जादू लेखक रोंडा बर्न। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, लेखक। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है, और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख लें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ से हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो जो और धन्यवाद दे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपको कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद दें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।